नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। मैं हूँ आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। इन दिनों गेहूं की बुवाई का मौसम चल रहा है, ऐसे में बाजार में बिकने वाले गेहूं के विभिन्न किस्मों के बीज गुणवत्ता के पैमाने पर कितने खरे उतरते हैं, इसको लेकर कृषि विभाग ने मुहिम छेड़ दी है। कृषि विभाग की टीम ने शहर के आधा दर्जन रासायनिक खाद, बीज एवं कीटनाशक रासायनिक दवाइयों के नमूने लिए हैं। अब उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। यदि सैंपल फेल मिलते हैं तो संबंधित विक्रेता व निर्माता कंपनी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। डबरा विकासखंड के कृषि अधिकारी बीके मिश्रा के नेतृत्व में कृषि विकास अधिकारी की टीम मंगलवार को बीज के सैंपल लेने के लिए निकली। टीम ने जवाहरगंज स्थित खाद व बीज विक्रेताओं के यहाँ पर बिक्री किए जा रहे गेहूँ के विभिन्न किस्मों के बीजों के सैंपल लिए। जिन एजेंसियों से नमूने लिए गए उनमें मुकेश एजेंसी, जैन खाद एवं बीज भंडार, पिताम्बरा बीज भंडार, न्यू गोयल बीज भंडार, कमल जैन बीज भंडार एवं हरियाणा कृषि सेवा केंद्र से गेहूं के बीज के सैंपल लिए गए। यह बीज के सैंपल सील बंद कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। वहीं बीज विक्रेताओं का ये भी कहना था कि किराना व्यापारी, हार्डवेयर व्यापारी आदि दुकानदारों द्वारा गुणवत्ता विहीन गेहूं का बीज बेचकर किसानों को मूर्ख बना रहे हैं और किसान लालच में आकर अपने खेतों में घटिया क्वालिटी का बीज डालकर पैदावार को घटा रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारी बीके मिश्रा ने बताया कि किसानों को सलाह भी दी गई है कि बार बार या हर वर्ष एक ही किस्म की खेत में बुआई ना करें, किस्म बदल बदल कर फसल बोए तथा किसान जब भी कृषि संबंधित सामग्री कहीं से खरीदे तो बिल अवश्य ले, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी मिलती है तो संबंधित विक्रेता के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। समस्या ये मार्केट में सैकड़ों दुकानें, मतलब कई दर्जन दुकानें ऐसी हैं जिनों पर हार्डवेयर वाले हों या गल्ला बेचने वाले हों, वो बीज गेहूँ के कट्टे बना के बेच रहे हैं और वो बीज के नाम से बेच रहे हैं। हम लोग जो लाइसेंसदारी हैं, हम लाइसेंसदारी होने के नाते हम लोगों का व्यापार खत्म होता जा रहा है और इस बार तो बिल्कुल ही खत्म हो रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या व्यापार है। वो जो अवैध तरीके से जो गेहूँ बेच रहे हैं और उन पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है और इसको पुलिस इंस्पेक्टर को भी अपने को इन्वॉल्व होना चाहिए। वो जो बीज बेचते हैं क्या वो मानकों के अनुरूप नहीं होता है या इससे कम रेट पर दिया जाता है? तो इससे कम रेट पर बेचती हैं। इसकी पैदावार पे क्या फर्क पड़ता है? पैदावार की इस पे फर्क पड़ता है कि जब गेहूँ बड़ा होता है तो ऊपर नीचे बालें हो जाती है, तब मालूम पड़ता है किसानों को, तब वो किसान चिल्लाता है, अब वो डिपार्टमेंट में जाता है, डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई करता है। अवैध बीज के कारोबार से लगभग कितना असर देखते हैं आप धंधे पर? इस साल तो हम कहेंगे कम से कम 60-70% अंतर आ रहा है। तो ऐसे इसमें व्यापारी भी इन्वॉल्व होंगे जो गेहूं खरीदते होंगे? व्यापारी नहीं, इसमें मिलिंग वाले और छोटे जो हार्डवेयर का या किराने का या जो छोटे छोटे जो गल्ले का जो छोटे पर्चू जो काम करने वाले सर, आज ये कृषि विभाग द्वारा पेस्टिसाइड की दुकानों का निरीक्षण है, क्या कार्रवाई है? अभी हमारा रबी मौसम का मौसम चल रहा है, इसमें किसानों को उच्च गुणवत्ता का बीज, खाद एवं कीटनाशक उपलब्ध हो, इस क्रम में अभी अभियान चलाया जा करके हम खाद बीज विक्रेताओं, कीटनाशक विक्रेताओं की दुकानों से बीज के, खाद के और कीटनाशक के नमूने ले रहे हैं। इन नमूनों को लेकर के हम विभिन्न परीक्षण की प्रयोगशालाओं में भेज रहे हैं और वहाँ से जो भी परिणाम प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कोई बीज मानक के अनुरूप नहीं निकलता है तो उस वेबसाइट पे क्या कार्रवाई की प्रावधान है? अगर हमारे विक्रेता के द्वारा जो किसान बीज क्रय करते खरीदते हैं, यदि वो बीज खराब निकलता है, मानक के विपरीत निकलता है और विक्रेता के विरुद्ध सख्त कार्रवाई बीज एक्ट के अंतर्गत की जाती है। सर, कई वो ऐसे जैसे कि सामने आ रहा है कि कई वो ऐसे व्यवसायी हैं जो बिना लाइसेंस के गेहूं का बीज और अन्य पेस्टिसाइड चीजें बेच रहे हैं। सर, जैसा आप कहना चाह रहे हैं थोड़ा उसमें सुधार की आवश्यकता है। हमारे जितने भी बीज विक्रेता हैं वो सभी लाइसेंस युक्त हैं और वो सभी प्रमाणिक और सत्य रूप बीज ही बेच रहे हैं। अन्य जो विक्रेता हैं जिनका जिक्र आपने किया है, जो किराना की दुकानों पर, हार्डवेयर की दुकानों पर, अन्य छोटे छोटे जो व्यापारी हैं वो गेहूं बेच रहे हैं, वो 40 किलो 30 किलो के कट्टे बना करके, रंग बिरंगे कट्टे बना करके गेहूं बेच रहे हैं। उन पर कहीं भी चूंकि बीज अंकित नहीं है,
उनका कोई स्तर नहीं है, इसलिए जो बीज अंकित नहीं है इसलिए बीज की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिए हम उस पर लिखा हुआ है खाने योग्य उच्च गुणवत्ता का गेहूं। जब खाने योग्य गेहूं है तो हमारे बीज के एक्ट में नहीं आता है, इसलिए हम उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।